खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां सादगी के साथ जैनपुर में चेहल्लूम मनाया गया। कोई जुलूस नहीं निकला। सिया समुदाय ने सोशल डिस्टेंसिंग के बीच मातम कर शहीदाने करबला को खिराज अकीदत पेश की। जैनपुर करबला मैदान में या हुसैन की सदाएं गूंजती रही। करबला की जंग में अपने 72 साथियों के साथ शहीद हुए इमाम हुसैन और शहीदाने करबला की याद में मनाया जाने वाला चेहल्लूम जैनपुर में सादगी के बीच हुआ। जैनपुर के सिया समुदाय में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच मातम कर शहीदाने करबला को खिराज अकीदत पेश की गई। शहादत को याद कर अजादार रोते रहे। जानकारी के अनुसार करबला में पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद के नवास से इमाम हुसैन मुहर्रम की 10वीं तारीख को अपने परिवार और 72 साथियों संग इस्लाम को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। जंग में शहादत के 40 दिन पूरे होने पर सिया समुदाय में चेहल्लूम मनाया जाता है। इसी क्रम में जैनपुर नगर पंचायत के कुरैश नगर में भी हर वर्ष चेहल्लूम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी चेहल्लूम का आयोजन किया गया, पर घर में ही मातम किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के बीच मजलिस भी हुई। किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकाला गया। वहीं उलेमा ने करबला के शहादत का बयान किया तो सुनने वाले अपने आंसू नहीं रोक सके। इस दौरान नोहा और मातम भी किया गया। कार्यक्रम के आयोजक निहाल मेहंदी ने व जीशान मेहंदी ने कहा, पूर्व में चेहल्लूम का कार्यक्रम बहुत ही भव्य तरीके से आयोजित किया जाता था, जिसमें जनपद से ही नहीं बल्कि दूसरे जनपदों से अंजुमन सार और मौलाना आते थे। प्रदेश के कोने कोने से जायरीन आते थे और जुलूस निकलता था, जो जैनपुर चौराहे पर पहुंचकर नौहा मातम होता था। कोरोना महामारी के दृष्टिगत इस वर्ष कार्यक्रम में बदलाव करके लोकल स्तर पर बहुत ही सादगी से मनाया गया। जैनपुर आजमगढ़ से करण सोनकर के साथ सत्यवीर यादव की रिपोर्ट। परिचय बताइए। निहाल मेहंदी जी। आज आप लोग के द्वारा किस तरह का कार्यक्रम किया गया? आज हमारे यहाँ मुहर्रम का चेहल्लूम 40वें का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम को जो शहादत पेश आई थी करबला में, उसका उन्हीं के याद में आज उनका 40वां हम यहाँ पर हम लोगों ने मनाया। किस तरह से किया आप लोगों ने? कोविड नियमों को कैसे देखा? देखिए, ऐसा है कि कोविड का जो कोविड गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए और बहुत सादगी से ये पर्व हम लोगों ने संपन्न किया। बहुत कम लोगों में आपस में ही हम लोगों ने किसी बाहरी को नहीं बुलाया, बस आपस में ही जितने हम लोग थे आपस में ही हम लोगों ने मिलकर ये त्यौहार ये 40 चेहल्लूम का पर्व मना लिया। बीते वर्ष कोरोना से पहले जुलूस निकाला जाता था? हाँ, देखिए जुलूस निकाला जाता था। ये जुलूस ये और भव्य तरह से ये चेहल्लूम का कार्यक्रम आयोजन होता चला आ रहा था, जिसमें बहुत सी अंजुमन आती थी, बाहर की अंजुमनें आती थी, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते थे। लेकिन और ये जुलूस निकल के बाज़ार में जाता था चौराहे पर, और चौराहे से फिर जुलूस बाज़ार होते हुए फिर करबला में आके दफन होता था। काफ़ी लंबा कार्यक्रम हुआ करता था, जिसको इस बार हम लोगों ने कोविड गाइड को कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने बहुत सादगी से बहुत कम लोगों में अपने लोगों में आपस में हम लोगों ने मिलकर मना लिया। और देखेंगे आइंदा साल अगर कोविड के